आप कौन है बेटे? आपको पहले कभी देखा नहीं। अंकल मेरा नाम लल्ली है और मुझे बैंगन की सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं। बेटे मैंने तो आपसे पूछा भी नहीं आपको पसंद है कि नहीं पसंद। अंकल मैं इधर ही रहती हूँ ना, अभी आना जाना तो लगा रहेगा। मुझे बैंगन की सब्जी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन मेरे को सेब से चॉकलेट, केला, संतरा, आम्ब, आम पापड़, इमली का घोड़ा, सॉफ्टी, ऑरेंज वाली कुल्फी, ये सब चीजें मेरे को बहुत पसंद है। ये मैंने इसलिए बताया कि ये मुझे देना जब मैं आऊँ, बैंगन की सब्जी मत देना। कितु अंकल सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। कितु अंकल आपके बॉडीगार्ड ना अंदर नहीं आने दे रहे थे। ये अंकल उनके दांत कैसे देने हैं? बेटे अच्छे बच्चे झगड़ा नहीं करते, इधर देखो मेहमान आए हैं, उनके पापा आए, इरफान जी आए हैं। मैंने आपकी फिल्म देखी थी लंच बॉक्स, मतलब बहुत मजा, इतना टेस्टी था ना लंच बॉक्स, मजा ही आ गया। आज भी इधर फंसा हुआ है देखो। दिख रहा है। वो इरफान खान दूसरे हैं, एक्टर है ये, इरफान पठान क्रिकेटर है ये। ओह है, तभी मैं सोचू फिल्म में तो आंखें बड़ी बड़ी लग रही थी, इधर तो छोटी है। मैंने पहचान लिया। अंकल आप लोग क्रिकेट खेलते हो ना? अच्छा ये बता, तूने मुझे अंकल बोला? हाँ जी। अंकल जी बोला? हाँ जी। इरफान जी क्यों बोला तूने? क्योंकि वो हैंडसम है ना। लेकिन मैंने एक बात पूछनी है, आप लोग क्रिकेट खेलते हो ना? हाँ। मेरा भाई भी बहुत अच्छा खेलता है, जब तक मेरा भाई गली में ना आए ना अंकल, क्रिकेट शुरू नहीं होता। क्यों? बैट उसके पास है? नहीं नहीं, सुसु करके वो मिट्टी गिल्ली करता है ना, उसमें तो स्टंप काटते हैं। अरे मेरा बस चले ना पाजी, मैं मैच उठा के ना चिड़ी उठ कहाँ उठ, नेशनल गेम बना दूं। आपने कभी खेला चिड़िया उड़? नहीं। कभी नहीं खेला? नहीं, नहीं। चलो यहाँ पे उंगली रखो। रखो। चिड़िया उड़, उड़ गई, गधा उड़, तोता उड़, केतली उड़, चिड़िया उड़, कौवा उड़, घोड़ा उड़, तोता उड़। यार ये तो सच्ची इंटेलिजेंट है, जोरदार तालियां। लेकिन एक बात बोलूं अंकल, मैं मेरा बस चले ना तो मैं कपिल अंकल को अंपायर बना दूं। अच्छा? क्योंकि इनको उंगली करने की बड़ी आदत है। मैं कब करता हूँ उंगली? अरे उंगली की तभी तो ट्वीट हुआ ना। ऐसे अंकल जी, पिछले हफ्ते ईद चली गई ना। लेकिन कोई बात नहीं, जब भी कोई क्यूट बच्चा देखो 500 दे तो दे ही देना चाहिए। दे दो दे दो दे दो। अंकल ईद थी। बेटे ऐसे दे दो, मेहमानों से पैसे मांगते? नहीं नहीं अंकल जी, ऐसे ही मांग रही है ये, ऐसी मांगने वाली। अब्बा भी अंकल वैसे अंदर से बहुत ज्यादा दुखी हूँ। मेरे को सब कहते हैं कि मोटी है, कोई गेम नहीं खेल सकती। मेरे को कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा मोटी हूँ, मैं फ्लेक्सिबल नहीं हूँ, मैं कैसे फ्लेक्सिबल हूँ? पिज्जा खाती? हाँ जी अंकल खाती हूँ। हाँ ये भी मोटी है। लेकिन मैं फ्लेक्सिबल कैसे हूँ? मेरे से ना यह सब कुछ नहीं होता, मैं ऐसे स्प्लिट भी नहीं कर पाती। अंकल मैं ऐसे कर लूँ ना तो मेरा एक के हाथ भी नहीं लगते। वही दबा दे उसको। मैं कैसे करूँ अंकल, इतना फ्लेक्सिबल ठीक होता है? बहुत बहुत। आपको बताऊँ मैं जो स्प्लिट कर लेती हूँ ना, बड़े फायदे होते हैं। जब हम ट्रेन में जाते हैं ना अंकल, टिकट बुक नहीं कराते, मैं जाके पहले सीट पे ऐसे बैठ जाती हूँ, हमारी पूरी सीट होती है। अच्छा मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छा गाना गाते हैं। बिल्कुल भी नहीं, गलत सुना है। ये अच्छा गाता है ना कपिल, बहुत अच्छा गाता है, इधर बैठे वही वो तो बहुत अच्छा गाता है, उनकी फिल्म भी आ रही है बता। अच्छा फिरंगी है ना? तो कपिल अंकल अगली ईद पे आपकी फिल्म आ जाएगी? पहले आ जाएगी, पहले आ जाएगी। चलो अभी फिरंगी के लिए जोरदार तालियां बजा दो। अंकल जी इधर आना जरा, दीदी कल आप तो बहुत ज्यादा लंबे, कितनी हाइट है आपकी? 6'2" 6'2"? आपको मेरी तरफ से यह बैठ दिया जाता है।
खैर थैंक यू सो मच, मेरा स्कूल का टाइम हो गया है और बच्चे कभी मजाक में चीजें दे दे तो रख लेनी नहीं चाहिए। तुम सीधे स्कूल जाओ, चलो 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 कि मैं इस बार फोर्थ क्लास में निकल जाऊंगा। हां जरूर जरूर पास हो जाओ। पक्का अंकल? पक्का। आपकी इसी बात पे मैं दांत देती हूं। अरे दांत। बाय अंकल। अरे बैठ लेके जा। थैंक यू अंकल, आप बहुत ज्यादा अच्छे हो लेकिन आपसे भी अच्छे वो है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.